हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बासुंदी। कम समय में और बहुत टेस्टी ऐसी बासुंदी बनाने जा रहे हैं, और वो भी टेस्टी टेस्टी बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो सामग्री है वो है 500 ग्राम से थोड़ा ऊपर दूध लिया है, 125 ग्राम मिल्क पाउडर, 40 ग्राम शक्कर, इलायची, 1 टेबल स्पून घी, ड्राई फ्रूट्स, और ये सैफ्रॉन डाल के मैंने मिल्क तैयार कर दिया है। गैस ऑन कर दिया है, उसमें हम घी डाल देते हैं। घी में हम 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। उसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से कर लेते हैं ताकि वो कच्चा पर चला जाए। हमने इसे आधा या 1 मिनट तक भून लिया है, उसे ज़्यादा भुनना नहीं है, थोड़ा ही भुनना है कि ताकि उसका कच्चापन चला जाए, उतना ही भुनना है। अभी इसे निकाल लेते हैं। अभी हमने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, इसे साइड में रखते हैं। अभी इसमें आधा कप दूध डालते हैं। फ्लेम हमने लो ही रखी है, जो घी बचा था उसमें ही हमने दूध डाल दिया है। अभी फ्लेम एकदम धीमी करके फिर उसमें मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, उसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ग्राम हमने मिल्क पाउडर डाली है, अभी ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी इसमें जो हमने आधा लीटर दूध लिया है वो डाल देते हैं, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हैं, और इसे अच्छी तरह से उबलने देते हैं। मिनट में हमारा दूध उबलना शुरू हो गया है। अभी हमने जो केसर वाला दूध बनाया था वो डाल देंगे। उसके बाद 40 ग्राम जो शक्कर ली है वो डालेंगे। आप जैसे भी मीठा खाते हो उसी हिसाब से आपको डालना है। अगर मीठा खाते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। इलायची भी डाल देते हैं, और इसे अच्छी तरह से उबलने देते हैं। आप देख सकते हो कलर भी कितना बढ़िया आया है। अभी इसे वापस उबालते हैं। जो हमने केसर डाला था उसकी पंखुड़ी अच्छी तरह से ऊपर आ गई है, बहुत बढ़िया लग रही है। इसे जैसे जैसे उबलते हैं तब तक उसे हिलाना है ताकि वो नीचे चिपके नहीं। इसे और पकाते हैं अच्छी तरह से। 7 मिनट हो गए हैं, अभी इसमें ड्राई फ्रूट थोड़ा डालते हैं ताकि वो ड्राई फ्रूट भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और हमें थोड़ी गाढ़ी करनी है इस तरह से। जो आजू बाजू को जो लगता है वो निकालते जाना है, बाद में वो निकलता नहीं है, और थोड़ी तो गाढ़ी हो गई और उसे थोड़ा गाढ़ा करना है। गैस का फ्लेम हम लो करते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारी अच्छी तरह से हो गई, जैसे बासुंदी चाहिए। बासुंदी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होती और ज़्यादा पतली भी नहीं होती, हमें जैसे चाहिए वैसे हो गई है। मैं फ्लेम थोड़ा धीमा करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो कितना सारा दूध कम हो गया है। फ्लेम हम धीरा करते हैं, आप देख सकते हो कलर भी, आप देख सकते हो कितना बढ़िया आया है। वो जो साइड पर लगा हुआ है वो जैसे जैसे होता गया वैसे निकालते गए हैं, इतना ज़्यादा चिपका नहीं है। अभी ये हमारी अच्छी तरह से बासुंदी तैयार हो गई है। अभी गैस बंद कर देते हैं और सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने सर्विंग बाउल में निकाली है। अभी जो हमने ड्राई फ्रूट्स थोड़ा बचाए थे वो डाल देते हैं। आप देख सकते हो खाने का मन करता है देख के। आप भी बनाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से आप देख सकते हो कितनी अच्छी बढ़िया गाढ़ी बनी है, और ये ठंडा हो जाने के बाद वापस गाढ़ी होगी। बासुंदी झटपट बासुंदी बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे फॉलो कीजिए। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करना। थैंक्स, धन्यवाद।